और चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो सीएम नायब सैनी ने बयान दिया है, ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर है। सीएम नायब सैनी ने बयान दिया है और सोनीपत की जनता का आभार, ये बात सीएम ने कही है। तो सीएम नायब सैनी ने बयान दिया, सोनीपत की जनता का आभार जताया, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने बयान दिया है, सोनीपत की जनता का आभार जताया है। तेजी से हरियाणा का विकास करेंगे, ये बात सीएम ने कही। तो सीएम नायब सैनी ने बयान दिया, सोनीपत की जनता का आभार व्यक्त किया, तेजी से हम विकास करेंगे, ये बात सीएम नायब सैनी ने कही। कार्यकर्ताओं द्वारा जो हमारे सोनीपत लोकसभा में यहाँ से नवनियुक्त विधायक चुने गए थे, उनका सम्मान समारोह कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया था। मैं सभी कार्यकर्ताओं को और सभी लोगों को जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट दे करके कमल का फूल खिलाने का काम किया है, मैं सभी को प्रणाम भी करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार, ये कमिटमेंट है सरकार का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो तीसरी बार हरियाणा की सरकार बनी है, तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश का विकास करने का काम ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के करेगी। हरियाणा की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी सरकार लगातार पूरा उतर रही है, आगे भी इस तीसरे टेन्योर के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में बातें कही है, उन सब बातों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। हरियाणा दिवस है सर, आज कुछ नया हरियाणा प्रदेश गोहाना वासी सोच रहे थे गोहाना जिला बनेगा और कई तरह से ऐसी सूचनाएं भी थी कि गोहाना जिला बनना है। नहीं, इसके लिए सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और जल्दी ही कोई कार्यक्रम के अंदर आएंगे और गोहाना की जो भी यहाँ के क्षेत्र के लोगों की मांग है, हमारे डॉक्टर साहब है, उन मांगों को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। यूनिवर्सिटी बनाने की बात चल रही थी सर, जनता बुटाड़ा को यूनिवर्सिटी बनाने की बात चल रही थी सर, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, जैसे जैसे भी कोई काम ध्यान में आएगा या ध्यान में लगाया जाएगा, मैंने मन से भी कहा है, उसको पूरा करना ये हमारी सरकार का दायित्व है और हम तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आज हरियाणा दिवस के अवसर के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और क्योंकि हमने जो बातें विधानसभा के चुनाव के अंदर कही है, उन सब बातों को हम आगे बढ़ाने का काम गति से करेंगे। दीपावली को रोहतक में थे, उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होगी, देर भले ही लग जाए। कैसी जीत होगी? ये सत्य की जीत नहीं थी क्या? यह आपने पूछना चाहिए भी, ये क्या है? ये लोगों की भावनाओं का ये सम्मान है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक ना तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान किया है, ना उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है, ना उन्होंने उस पवित्र संविधान का सम्मान किया है, ना उन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय का संवैधानिक पद है उसका सम्मान किया है, ना कांग्रेस पार्टी ने आज तक प्रधानमंत्री के पद का सम्मान किया है। ये झूठ बोलने में लगे हुए हैं। झूठ व्यक्ति को तो झूठा ही दिखाई देता है, मंत्री जी को कुछ और दिखाई नहीं देता। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये जनादेश है, बड़ा जनादेश दिया है हरियाणा के लोगों ने। मैं हरियाणा के लोगों को प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब ये जीतते हैं वहां तो ईवीएम इनकी ठीक होती है, जहां ये लोग इनको नकार देते हैं वहां पर ईवीएम को दोष देते हैं। हिमाचल के अंदर इन्होंने कोई शब्द नहीं कहा और लगातार वहां तो झूठ बोला। हुड्डा साहब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने क्या वायदे किए थे,
वो वायदे पूरे नहीं हुए, हिमाचल में भी नहीं हुए, कर्नाटक में भी नहीं हुए, तेलंगाना में भी नहीं हुए। जब नहीं हुए तो लोग तो देखते हैं कैसे इनको वोट देंगे। महाराष्ट्र से अब साफ होने वाले हैं, झारखंड से कांग्रेस पार्टी साफ होने वाली है, कहीं कोई सीट दिखाई नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में भी और झारखंड के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना।